हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल हॉट स्पॉट स्टडी आई एम मो इन आई वेलकम यू ऑल ऑन हॉट स्पॉट स्टडी एंड आई होप डेट यू हैव सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बरए करम कर लीजिए इससे आप ही लोगों को फ़ायदा होगा चैनल सब्सक्राइब करने से ठीक है क्योंकि जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं तो उन्हें नोटिफिकेशन पहले मिल जाती है ठीक क्योंकि मैं तो आपको बताऊँगा नहीं कि आ, मैंने ये वीडियो बना के डाल दी है इस साल की डाल दी है उस साल की डाल दी है रेड्स वाई चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको मतलब प्रेस कर लें ठीक है सो so, आज हम लोग 2018 हज़ार अठारह बी ऑनर्स पर्शियन का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं आ, जे एम आई बी ऑनर्स पर्शियन ये सन यहाँ लिखी हुई है 2018 और यहाँ पर्शियन लिखा हुआ है ठीक सो so, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है सो so, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन ज़रान की सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला स्टेट कौन सा है सो so, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर बी इज द राइट ऑप्शन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है गांधी सेतु इज़ इन गांधी सेतु जो ब्रिज है वो आपको बिहार के अंदर देखने को मिलता है तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है शाहनामा इज रिटन बाई शाहनामा को किसने लिखा है शाहनामा लिखी गई है फिर दोसी के जरिए सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए उसके बाद चौथा क्वेश्चन है अलीगढ़ मूवमेंट बात स्टार्टेड बाय अलीगढ़ मूवमेंट ये किसने स्टार्ट किया था इसको स्टार्ट इस किया था सर सैद अहमद ख़ान ने राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी उसके बाद पाँचवा यहाँ पे क्वेश्चन है द फाइनेस्ट ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर इन मॉडर्न इन मार्बल इज़ द संग मरमर के जरिए मुगल फ़न तमीर का बेहतरीन नमूना है तो ताजमहल जो है वो पूरा संगे मरमर के पत्थरों के जरिए बनाया गया है तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए उसके बाद छठा क्वेश्चन है बूस्ता इज़ रिटन बाई हर साल जवा मिल्ल इस्लामिया ऑनर्स पर्शियन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि गुलिस्तान बूस्ता ये किसके ज़रिए लिखी गई है किसकी किताब है ठीक सो ये किताब है शीराजी की राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए गुलिस्तान बूस्ता उसके बाद सातवां क्वेश्चन गालिब वाज अ पोइट ऑफ गाल, गालिब किस चीज़ के पोइट थे गालिब उर्दू और फारसी जबान में कलाम करते थे राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए उसके बाद आठवां यहाँ पे क्वेश्चन है उमर ख़याम वाज उमर खयाम कौन थे उमर खयाम पोइट थे शायर थे राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए सम टाइम्स वहां से पूछेगा उमर खयाम शायरी की किस के लिए मशहूर हैं तो सिंपली आप इनकी एक किताब का नाम याद रख लीजिए रोबाया उमर उम्र खयाम तो उससे आप पता लगा ले जाएंगे कि उमर ख़याम रुबाई के लिए मशहूर है ठीक उसके बाद नवा यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर दियर इन पर्शियन ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है सो so इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास सी बत्तीस अल्फ़ाबैट है ठीक उसके बाद दसवां यहाँ पे क्वेश्चन है रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाई शाहजहां ने इसको बनवाया था राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए उसके बाद ग्यारहवा यहाँ पे क्वेश्चन है लोटस टेम्पल इज सिचुएटेड इन लोटस टेम्पल कहाँ है दिल्ली के अंदर है राइट right ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए उसके बाद बारवा क्वेश्चन हु इज़ फेमस एज मिज़ाइल मैन ऑफ इंडिया मिज़ाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम को जाना जाता है राइट right ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए इनकी एक मशहूर किताब है विंग्स ऑफ फायर उस किताब के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है विंग्स ऑफ फायर इसी तरीके से एक किताब और है इगनाइटेड माइंड्स ये दो किताब बहुत मशहूर हैं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ओके उसके बाद तेरहवा क्वेश्चन द टॉम्प ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सिचुएटेड इन जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो मकबरा है वो आपको महरूली दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए उसके बाद चौदवा यहाँ पे क्वेश्चन है हु रोड द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर मोहम्मद इकबाल ने इसको लिखा था राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप लोग पर्शियन का पेपर ज़रूर मतलब पर्शियन का जो फॉर्म है आप ज़रूर फिल करें बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आप मतलब अरबिक में जाए या उर्दू में जाएँ पर्शियन में जाएँ आप अपनी डिजायर लैंग्वेज किसी भी कोर्स में मतलब पढ़ सकते हैं ले सकते हैं ठीक है उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है पंद्रवा हु इज़ द ऑथर ऑफ एन एकबरी एन ए अकबरी को किसने लिखा था एन ए अकबरी को लिखने वाले हैं अबुल फजल राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी सो अबुल फजल एंड फैज़ी टोडरमल एंड बीरबल ये तमाम के तमाम यहाँ पे लोग आप लोगों को दिख रहे हैं ठीक है ये अकबर के नवरत्नों में से आते हैं अकबर के आप तमाम आप तमाम लोग जानते हैं कि अकबर के दरबार में अकबर के कोर्ट में नौ नवरत्न थे आई I मीन mean, नौ ऐसे लोग थे जिनको बड़े बड़े अहदे और मुनासिब दिए गए थे ठीक है और यही लोग मतलब पूरी सल्तनत को चलाते थे इनमें बीरबल हैं फैज़ी हैं अबुलफल हैं टोडरमल हैं देखिए यहाँ पे जो टोडरमल है इनको कौन सा अहदा दिया गया था इनको फाइनेंस मिनिस्टर का अहदा दिया गया था अकबर ने इनको फाइनेंस मिनिस्टर का अहदा दिया गया अहदा दिया था आई मीन इनको वित्त मंत्री बनाया था उसके बाद बीरबल है बीरबल को कौन सा अहदा दिया गया था बीरबल ये एडवाइज़र थे अकबर को एडवाइस देते थे अकबर को ये मशहरों से नवाजते थे ठीक है फिर है फैज़ी एंड अबुल फजल ये दोनों भाई हैं तो फैज़ी एंड अबुल फजल ये दोनों भाई हैं और ये अकबर के दरबार में थे नवरत्नों में से इनका इनका मतलब शुमार होता है सो फजल एंड फैज़ी ये हिस्टोरियंस भी हैं दोनों भाई इन्होंने किताबें लिखी हैं ये पोइट भी हैं ठीक है इसके अलावा और भी लोग थे जैसे रहीम खाने खाना है या आप कह सकते हैं कि मुल्ला दो पियाज़ा हैं ये सारे लोग मतलब अकबर के दरबार में मौजूद थे और यही नवरत्न्स कहलाते हैं ठीक है। ओके अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेरी इक्यावन एक्या, कविताएं मेरी इक्यावन एक्या, कविताएं इसके मुसन्फ़ कौन है इसके मुसनिफ है अटल बिहारी वाजपेयी राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है ईयर दे ओ को किस साल मतलब इस्टेब्लिश किया गया था सो डब्लू एच ओ का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है उन्नीस सौ अड़तालीस राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी यस देर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेश्स इन द वर्ल्ड जो कि फेमस हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर और मकबूल ऑर्गनइजेशन से तनजीमें हैं ठीक है तो उनके हेड क्वार्टर्स के बारे में उनके फाउंडेशन डे के बारे में मतलब एग्जामिनर आपसे बार बार क्वेश्चन uh, करता है जैसे डब्ल्यू एच ओ है डब्ल्यू टी यू है तो आइए इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग फाउंडेशन यर देख लेते हैं सो so डैट एक कहीं से भी क्वेश्चन आता है ऑर्गेनाइजेशन से तो आप उसको मतलब सिंपली टेक कर ले जाए उसको मतलब आप उसका आंसर दे पाए ठीक है तो so, आइए सबसे पहले यहाँ पे है डब्ल्यू एच ओ डब्लू एच ओ का जो डब्ल्यू एच ओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और फाउंड इसको क्या गया था नाइनटीन फोटी एट में उसके बाद है हमारे पास डब्लू टी ओ डब्ल्यू टी ओ इसकी जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका भी हेड क्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलता है और इसका फाउंडेशन ईयर है नाइनटीन नाइन्टी फाइव 1995 में इसको फाउंड किया गया इस्टेब्लिश किया गया ठीक उसके बाद है हमारे पास आई एल ओ आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका भी आपको हेड क्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ठीक इसको फाउंड किया गया था 1919 के अंदर ओके इसके बाद हमारे पास है डब्ल्यू एम ओ वर्ल्ड मेट्रोलो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ठीक डब्ल्यू एम ओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको फ़ाउंड किया गया था नाइनटीन फिफ्टी में उन्नीस सौ पचास के अंदर इसका भी हेड क्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा ठीक है आ, उस, उसके अलावा अगर आप और देखें जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग विपो के नाम से जानते हैं डब्ल्यू आई पी ओ विपो इसको फाउंड किया गया था विपो को उन्नीस सौ सड़सठ के अंदर नाइनटीन सिक्सटी सेवन के अंदर इसका भी हेड क्वार्टर आपको विपो का जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद और जो मशहूर ऑर्गेनाइजेशन हैं मशहूर तनज़ीमें हैं उनमें मतलब यू एन ओ का नाम आता है यू एन ओ यूनाइट नेशन्स ऑर्गेनाइजेशन इसको फाउंड किया गया था नाइनटीन फोटी फाइव में चौबीस अक्टूबर उन्नीस सौ पैंतालीस के अंदर और इसका हेड क्वार्टर आपको न्यूयॉर्क न्यू यू एस ए के अंदर देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ इसके बारे में जामिया के अंदर क्वेश्चन आ चुका है यूनिसेफ़ इसको फाउंड किया गया था 1946 के अंदर 1946 के अंदर और अगर आप यूनिसेफ़ की फुल फॉर्म पूरी देखेंगे तो सिंपली बहुत सिंपल है यूनिसेफ यूनिसेफ ठीक यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन इमरजेंसी फ़ंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन इमरजेंसी फ़ंड ये यूनिसेफ की मतलब फुल फॉर्म है और 1946 1946 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन इमरजेंसी फ़ंड ये इसकी मतलब पूरी फुल फॉर्म है यूनिसेफ की उसके बाद अगर एक दो और मैं ऑर्गेनाइजेशन आपको बतलाऊँ जो बार बार एग्ज़ाम में आती हैं जैसे अगर आप देखें तो उसमें आपको मिलेगा जो पेरिस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को जो बहुत ज़्यादा मशहूर है यूनेस्को वाई एन ई एस टी ओ ये पूरी मतलब यूनेस्को है ठीक है इसके अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ठीक सो इसको फाउंड किया गया था 1945 के अंदर ठीक और इसका क्वार्टर यूनेस्को का आपको देखने को मिलेगा फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस वहाँ पे आपको इसका क्वार्टर देखने को मिलता है ठीक उसके बाद एक दो मतलब ऑर्गेनाइजेशन और, और हैं जैसे नेटो है नैटो या नाटो आप कुछ भी पढ़िए सो नैटो ये मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी राइट नाउ सो नैटो की अगर आप फुल फॉर्म देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसको मतलब फाउंड किया गया था नाइनटीन के अंदर उन्नीस के अंदर इसको मतलब फ़ाउंड किया गया है नेटो को ठीक उसके अलावा एक मैं आपको बता के आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ठीक है वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम जिसको हम लोग डब्लू एफ़ पी वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम इसका हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा रोम इटली के अंदर फुल फॉर्म इसकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और उन्नीस के अंदर इसको मतलब फाउंड किया गया था ठीक सो so, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको आप लोगों को याद रखना है जहाँ जहाँ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एडिशनल नॉलेज दूँ उसको आप लोग लिख लीजिए सो डैट इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम में काम आए ओके okay. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं सार्क आ, सार्क सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन यानी जो सार्क का जो दफ्तर है वो कहाँ पे लोकेटेड है सार्क का अगर आप दफ्तर देखेंगे सार्क के सेक्रेटेरिएट की बात करेंगे तो आपको ही मिलेगा काठमांडू के अंदर राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू वहाँ पे सार्क का आपको हेडकोटर देखने को मिलता है ठीक अब सार्क की कौन सी बला है सार्क की फुल फॉर्म क्या है सार की अगर आप फॉर्म देखें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ये पूरा मतलब सार की फॉर्म है एक बार मैं और रिपीट करता हूँ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ये पूरी सार की फॉर्म है इसका क्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर देखने को मिलता है सो साउथ एशिया के अंदर जितने देश आते हैं मान लीजिए उनमें इंडिया है पाकिस्तान है अफगानिस्तान है नेपाल है ठीक है तो ये जो सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इसका मकसद ये था कि साउथ एशिया के अंदर जितने देश आते हैं इंडिया पाकिस्तान चीन या नेपाल या पाकिस्तान या अफगानिस्तान वगैरह तो उन तमाम देशों की आपस में मदद की जाए उनको कोऑपरेट किया जाए जंगी मदद की जाए उनकी फ़िज़िकली मदद की जाए उनकी इकोनॉमिकली मदद की जाए ठीक है ओके उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु रोड द नर्सरी रिहिम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये किसने लिखा है तो इसको जो लिखने वाले हैं वो जेन टेलर हैं राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए उसके बाद बीसवा यहाँ पे क्वेश्चन है एन सी ई आर टी स्टैंड फोर आप लोग बहुत एन सी आर टी एन सी ई आर टी की किताबें पढ़ते हैं लेकिन सच ये है कि मतलब मोस्ट ऑफ़ द टाइम बच्चों को एन सी आर टी के फुल फॉर्म याद नहीं रह पाती है तो इसकी जो फुल फॉर्म है करेक्ट फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उसके बाद डब्लू टी ओ स्टैंड फॉर अभी मैंने आप लोगों को डब्ल्यू टी ओ का पूरा मतलब बताया था फुल फॉर्म बताई थी तो सिंपली आप अगर आपने ऊपर सही से सुना होगा तो आप यहाँ पे भी टिक कर देंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बाइसवा हु रोट इंडिया विन्स फ्रीडम इंडिया विन्स फ्रीडम ये किसकी किताब है इसको लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी उसके बाद तेईसवां यहाँ पे क्वेश्चन है द होली बुक रामायणा बिलोंग्स टू रामायणा ये किस धर्म से बिलोंग करती है ये हिंदू धर्म से बिलोंग करती है राइट right ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है ट्वेंटी फोर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स इज लोकेटेड इन एम्स ये आपको कहाँ मिलेगा ये एम्स आपको ये देखने को मिलता है दिल्ली के अंदर राइट right ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी उसके बाद पच्चीसवा क्वेश्चन है नासा इज़ द नेम ऑफ स्पेस एजेंसी ऑफ देखिए नाश्ता ये किस मुल्क की खलाई एजेंसी का नाम है अमेरिका की खलाई एजेंसी का नाम है राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी देखिए जो भी वीडियोस मैं आप, लोगो आप, लोगो आप लोगों को बना के भेजता हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहती हैं एक्स्ट्रा नॉलेज मैं हमेशा आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ नेट्स वाई आप लोगों का ये हक है रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़िम्मेदारी है कि आप इन वीडियोज़ को दूसरे लोग दूसरे लोगों तक दूसरे बच्चों तक शेयर करें ठीक है क्योंकि हमारा मकसद है हर बच्चे तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए चाहे वो समा चाहे वो मतलब गांव से ताल्लुक़ रखता हो या ग्रामीण से हो या शहर से हो या डिस्ट्रिक्ट से हो या मेट्रोपॉलिटन सिटी हो सिटी से हो ठीक है तो आप इन वीडियोज़ को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना उन बच्चों को फ़ायदा होगा ठीक उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, है छब्बीस बेला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड इन बेला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको कहाँ देखने को मिलेगा ये रांची के अंदर है राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी उसके बाद अगला यहाँ क्वेश्चन है, हाँ है हाफिज शराजी बिलोंग्स टू द कंट्री हाफिज शराजी कहाँ से बिलोंग करते हैं ईरान से बिलोंग करते हैं राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी उसके बाद अगला क्वेश्चन ऑथर ऑफ़ डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसके कौन ऑथर हैं इसके ऑथर हैं जवाहरलाल नेहरू राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की दो मशहूर किताबें हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार आती हैं एक गिलमसज़ ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है दूसरी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी है गिलमसिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री गिल्सिज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ठीक तो ये ये दो किताबें हैं बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं आप इनको मतलब हमेशा याद रखिएगा उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इज़ देखिए ये 2018 का पेपर है तो अगर आप इस टाइम की बात करें तो इस टाइम जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो हो जाएंगे हमारे पास रीनू देवी इज़ राइट नाउ बिहार की डिप्टी सी एम और यहाँ के जो सी एम चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान इज ट्रेन टू पाकिस्तान ये किताब किसने लिखी है इस किताब को लिखा है खुशवंत सिंह ने राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी उसके बाद अगला क्वेश्चन एटम बम वाज डिस्कवर्ड वाई एटम बम को किसने डिस्कवर्ड किया था इसको डिस्कवर किया था ऑटो तो हान ने राइट right ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हेड क्वार्टर ऑफ नेटो इज लोकेटेड एट नेटो का जो हेड क्वार्टर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा ब्रूसल्स बेल्जियम के अंदर जो बिरूसल्स जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ पे नेटो का हेड क्वार्टर है राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस बहुत सिंपल है माउस स्टोरेज डिवाइस नहीं है राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है मिर्जा गालिब वाज बॉर्न एट मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे मिर्जा गालिब की अगर आप पैदाइश देखेंगे तो आगरा के अंदर ये पैदा हुए हैं और दिल्ली के अंदर इनकी वफात होती है राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हु इज़ द करेंट वाइस चांसलर ऑफ़ जामिया मिलिया इस्लामिया देखिए ये 2018 का पेपर है तो 2018 के अंदर हमारा मतलब कंसर्न भी नहीं है बट राइट नाउ हम लोग देखेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर कौन है ठीक है मैं सारी चीज़ें आपको जामिया से रिलेटेड यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि वाइस चांसलर कौन है इसी तरीके से चांसलर कौन है इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था अलीगढ़ के अंदर कब थी ठीक है सो जामिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर कॉम्पटेटिव एग्ज़ाम में जामिया के कॉम्पटेटिव एग्ज़ाम में या किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में तो वो तमाम के तमाम क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ठीक है सो so, देखिए जाम मिल इस्लामिया की जो राइट नाव जो वी सी हैं उनका क्या नाम है वी सी का नाम अगर आप देखें तो वी सी हैं नजमा अख्तर ठीक है नजमा अख्तर यहाँ की बीसी हैं अख्तर उसके बाद अगर यहाँ आप यहाँ के चांसलर की बात करें ठीक है सो चांसलर हमारे पास हो जाएंगी नजमा हिप्तुल्ला नजमा इनके आगे आप हिप्तुल्ला बढ़ा देना हिपतुल्ला तो ये चांसलर हो जाएंगी मिलिया इस्लामिया की ठीक उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जामिया से रिलेटेड वो ये है कि इस्टेब्लिश मैंट किस शहर में किया गया था यानी जो जामिया मिल् इस्लामिया जो हमारे पास मौजूद जो जामिया यूनिवर्सिटी है इसको कहाँ पे इस्टेबलिश किया गया था अलीगढ़ के अंदर जामिया को इस्टबलिश किया गया था अलीगढ़ जो शहर है 1920 के अंदर ठीक है सो 1920 के अंदर अलीगढ़ के अंदर इसको इस्टबलिश किया गया था इसकी बुनियाद पड़ी थी अलीगढ़ के अंदर फिर उन्नीस सौ पच्चीस में करुलबाग दिल्ली के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया था अलीगढ़ से करुलबाग ठीक है फिर 1935 में ओखला के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया था करोल बाग से ठीक है जहाँ पे आजकल जाम मिल् इस्लामिया मौजूद है सो तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखें 1920 में इसको अलीगढ़ के अंदर इसकी बुनियाद पड़ी 1925 में करोल बाग न्यू दिल्ली के अंदर इसको शिफ्ट किया गया अलीगढ़ से फिर करोल बाग से ओखला के ओखला शिफ्ट किया गया उन्नीस के अंदर ठीक है तो इस तरह के मतलब क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं <coughs> उसके बाद अगला क्वेश्चन जो जामिया से रिलेटेड बनता है वो ये है कि जामिया को डीम्ड स्टेटस कब मिला यूजीसी ने जामिया को डीम्ड स्टेटस का दर्जा कब दिया तो उन्नीस में यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जामिया को डीम्ड स्टेटस दिया डीम्ड आप इस तरीके से लिखेंगे देखिए डीम्ड स्टेटस का दर्जा दिया ठीक है फिर 1988 में जामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला ठीक है फिर उसके बाद समटाइम्स एग्ज़ाम में आता है कि जामिया का मोटू क्या है तो जामिया का जो मोटू है वो इंसान मालम यालम अल्लमल इंसान मालम यालम ये जामिया का मोटू है ठीक है उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है जामिया से रिलेटेड एग्ज़ाम में वो ये बनता है कि जामिया के फाउंडर्स कौन कौन लोग थे कितने लोगों ने मिलके मतलब जामिया को फ़ाउंड किया देखिए जामिया के संगे बुनियाद में बहुत सारे लोगों का शाम बहुत सारे लोगों का हाथ शामिल है ठीक है तो उनमें जो मेन मेन लोग हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं उनका नाम मैं आप लोगों को बता दूँ उनमें आपको मिलेंगे महमूद हसन देवबंदी मोहम्मद अली जौहर हकीम अजमल खान मुख्तार अहमद अंसारी जाकिर हुसैन ठीक है तो ये तमाम के तमाम लोग आपको मिलेंगे जामिया का ये जामिया के फाउंडर्स हैं जिन्होंने जामिया का बुनियाद डाली थी महमूद हसन देवबंदी मोहम्मद अली जौहर हकीम अजमल खान मुख्तार अहमद अंसारी और डॉक्टर जाकिर हुसैन ठीक है सो इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है कि जामिया के फ़र्स्ट वी कौन थे सो जामिया के जो फर्स्ट वी थे वो मोहम्मद अली जौहर थे मोहम्मद अली जौहर ये जाम इस्लामिया के फर्स्ट वीसी थे सबसे पहले वाइस चांसलर थे उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जामिया से रिलेटेड कि जामिया के फर्स्ट चांसलर कौन थे बी हो गया आप चांसलर कौन थे तो जामिया के फर्स्ट जो चांसलर थे वो हकीम अजमल खान थे हकीम अजमल खान वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ़ जाम मिल् इस्लामिया उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन से रिलेटेड बनता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो इस अंदाज में आते हैं कि हु आज़ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मुस्लिम फ़र्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट कौन थे इंडिया के तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ठीक है इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि हु आज़ द फस्ट इंडियन प्रेजिडेंट टू डाई इन ऑफिस कि वो कौन से uh, सबसे पहले इंडिया के प्रजिडेंट हैं जिनकी वफात ऑफिस में होती है ठीक है सो वो हमारे पास डॉक्टर जाकिर हुसैन है दो क्वेश्चन हो गए इनसे रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस नंबर के प्रेसिडेंट है इंडिया के अंदर तो ये थर्ड नंबर के प्रेसिडेंट है थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक उन्नीस से उन्नीस का इनका पीरियड है उन्नीस में इनकी वफात हो जाती है और उस टाइम ये प्रेसिडेंट रहते है हैं डेट्स वाई इनसे क्वेश्चन बनता है कि हु आज़ द फर्स्ट इंडियन प्रेजिडेंट टू डाई इन ऑफिस ठीक है तो ये तीन मतलब क्वेश्चन आप डॉक्टर जकिर हुसैन से याद रखें सो तो इतनी सारी इन्फॉमेशन आपसे पूछी जाती है जामलिया इस्लामिया के बारे में उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है द सैट द सैटानिक वर्सेज़ इज़ रिटन बाई द सैटानिक वर्सेज़ इस किताब को लिखा है सलमान रुशदी ने राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी उसके बाद अगला क्वेश्चन द सिटी हैविंग हाइस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है टोक्यो है जो कि जापान की राजधानी है राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कुतुब मीनार इज़ इन कुतुब मीनार ये कहाँ पे वाकई है कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर है राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी उसके बाद अगला क्वेश्चन सार्क वाज फॉर्म्ड इन सार्क को कब फॉर्म किया गया था 1985 के अंदर इसका इसकी तश्कील हुई थी राइट right ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड के अंदर राइट right ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी ओके सो 40 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इन क्वेश्चंस को या इन वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं इसके अलावा जो सब्जेक्टिव का पेपर आता है जामिया बी ऑनर्स पर्शियन के अंदर तो उसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि आपको जो भी आंसर लिखना है सब्जेक्टिव के अंदर पर्शियन में वो आप या तो इंग्लिश में लिखेंगे या फिर मतलब आप उर्दू में लिखेंगे फारसी में कोई भी शख्स नहीं लिखेगा ठीक है फारसी में कोई स्टूडेंट नहीं लिखेगा उर्दू में लिखेंगे या आप इंग्लिश में लिखेंगे ठीक है सो क्वेश्चन आप देख सकते हैं इनको मैं इंशाल्लाह करा दूंगा जब ये 2017 और 2016 की वीडियोज़ कम्प्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं कराऊंगा ठीक सो so, आप क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हिंदुस्तानी ज़बानों पर फारसी के असरात उनवान पर एक मुख्तर नोट लिखें यानी जो हिंदुस्तानी ज़बानें हैं जैसे इंग्लिश है या आ, या उर्दू है या इसी तरीके से अरबी है ठीक है तो इन पे मतलब जो फ़ारसी ज़बान ने जो एक इम्पैक्ट डाला है जो एक असर डाला है जो इफेक्ट डाला है तो उससे आप क्या समझते हैं उस पर एक मुख्तर सा आप मजमून लिखें एक नोट लिखें एक सफ़े से ज़्यादा ना लिखें कम अज़ कम एक सफ़ा लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ सफ़ा लिखें ठीक है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें मुझे फारसी क्यों पसंद है वाई डू आई लव पर्शियन लैंग्वेज अपने नजरिए का इजहार करें आपके क्या थाट है आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है हिंदुस्तान में जश्न होली मनाने के हवाले से एक मख्तसर मजमून लिखे हैं होली है दिवाली है ईदुलफित्र है ईद अज इस तरह के जो टॉपिक्स हैं आप उन पर मतलब अपने मजामी तैयार कर लीजिए समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ठीक है चौथा क्वेश्चन जेल में से किसी एक पर रिपोर्ट पेश करें आगरा का ताजमहल मोदी मेकिंग मेरा पसंदीदा शायर तो बहुत ही सिंपल है सब्जेक्टिव पर्शियन का मेरा पसंदीदा शायर आप किसी को भी डाल दीजिए गालिब को डाल दें मीर को डाल दें ठीक है सौदा को डाल दें मोमिन ख़ा मोमिन को डाल दें इन शाह को जुरात को आपकी नज़र में जो शायर हों उनको आप उनके बारे में लिख दीजिए ठीक है मौजूदा दौर के जो शोरा हैं आप उनके बारे में अगर लिखना चाहें तो उनके बारे में भी लिख सकते हैं राहत इंदौरी के बारे में आप लिख सकते हैं इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में आप लिख सकते हैं ठीक है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पर लिखेंगे उसके बाद अगला यहाँ पर जो मतलब क्वेश्चन है तलीम की अहमियत पर एक मख्तसर नोट लिखिए व्हाट्स द इम्पोटेंस ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न एरा उस पर आपको एक मतलब नोट लिखना है एक टॉपिक लिखना है एक सफ़े से ज़्यादा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं तो डेढ़ सफ़ा ठीक है राइट अबाउट योर सेल्फ एंड योर एम इन लाइफ बहुत ही सिंपल है वाट डू यू वांट इन योर लाइफ वाट इज़ योर एम वाट इज़ योर गोल उसके बारे में आपको लिखना है आप अपने और अपने मकसद हयात के बारे में लिखें बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर आप थोड़ा सा भी मतलब माइंड लगाएंगे तो इन तमाम क्वेश्चन को आप इजीली हल कर सकते हैं एनीवे anyway, वे मैं इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस करा दूंगा बहुत ज़्यादा हार्ड और मुश्किल नहीं है बहुत ही सिंपल कोश्चन्स हैं ठीक है थीके? आप अपने बारे में अपने मकसद हयात के बारे में क्या लिखेंगे आपका जो नाम है आपका जो एड्रेस है इस अंदाज़ में लिखेंगे आपके जो मतलब जिंदगी का मकसद है आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं कहाँ एजुकेशन लेना चाहते हैं आपकी क्या गोल है क्या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं ये तमाम चीज़ें आपको इस बारे में लिखना है ठीक है सो इस वीडियो में इतना ही इंशाल्लाह अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात करता हूं जिसमें हम लोग 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दिया करें ठीक